नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे NCERT कक्षा 8वीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 के बारे में। तो इसमें हम लोग 4 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। ये आपका 5वां चैप्टर है। क्या है? न्यायपालिका। तो हम बात करेंगे आज न्यायपालिका के बारे में। आप लोगों से बार बार मैं यही कहता हूँ कि इसे कहानी की तरह पढ़िए पर चाहे सुनिए, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी टर्म्स या शब्द नहीं मिलेगा जो आपको समझ में ना आ सके अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं। बिल्कुल धैर्य रख के पढ़िए, ठीक है? और आपको जो भी इसमें से शब्द चाहिए होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, वो हमें आराम से मिल जाते हैं। और बहुत ही साधारण शब्दों में एक कहानी का रूप देकर पूरा बताया गया है, ठीक है? तो ज़्यादा हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अखबार पर नजर डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगती है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसा कि आप इकाई 2 में पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में कानून का शासन चलता है। इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं, और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। यह इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब होता है? क्या आपको आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई संबंध है? इस अध्याय में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। देख लीजिए, बात करते हैं न्यायपालिका की क्या भूमिका है। अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती हैं। जो हमारी अदालतें हैं ये कई सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती हैं। वे यह तय कर सकती हैं कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। वे राज्य के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती हैं। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती हैं। न्यायपालिका के कामों में को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। विवादों का निपटारा। न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। क्या? न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। अब इसी तरह से हमें, जैसे हमने यहाँ न्याय समीक्षा देख लिया है, विवादों का निपटारा किस प्रकार, इन्हीं के बारे में हमें समझना है, क्योंकि आगे अगर न्यायिक समीक्षा शब्द आता है और हमारे जो न्यायपालिका है इसके बारे में कुछ लिखने को आता है तो आप लिख सकें, आप समझ सकें। अब आपको वहां यही पता नहीं चलेगा कि न्यायपालिका होती क्या है, न्यायिक समीक्षा क्या होती है। तो इसलिए पढ़ने के लिए सलाह दी जाती है आपको NCERT कि आपकी आधारभूत जो ढांचा है वो मजबूत हो सके। उसी तरह जिस तरह से आपने देखा होगा जब मकान के लिए नींव भरी जाती है तो उसमें गिट्टी पत्थर पता नहीं क्या क्या डालते हैं क्योंकि वो खड़ा रहे, मकान खड़ा हो सके उस पर। तो इसी तरह हमारे लिए NCERT है, ठीक है? कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में जा सकता है। उदाहरण के लिए कक्षा 7वीं की कक्षा में आपने हाकिम शेख के बारे में पढ़ा था जो खेतीहर थे। वे चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो गए। जब कई अस्पतालों ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया तो उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। इस मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि संविधान के अनुच्छेद
21 यानी कि 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया। इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी आपका शामिल है। फलस्वरूप न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह अस्पतालों की लापरवाही के कारण हाकिम शेख को नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दें। सरकार को यह आदेश भी दिया गया कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे, उसमें आपात स्थिति में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय देख लीजिए, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। इसकी स्थापना कब? 26 जनवरी 1950 को। उसी दिन हमारे देश गणतंत्र बना। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ पेरेंसेप में हुआ करता था। इसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित किया गया था। अब बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या फिर उसका तबादला कर सकते हैं। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिकों को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है, यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकारें सरकार की अन्य शाखाएं न्यायालय के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, ना ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त करने रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल ना हो। इसलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर भी विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। बात करते हैं भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। हमारे देश में तीन अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है उन्हें हम लोग अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला अदालत कहा जाता है। ये अदालत आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या फिर किसी शहर में होती हैं। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं। प्रत्येक राज्य जिलों में बंटा होता है और हर जिला एक जिला न्यायाधीश होता है। हर जिले में एक आपका न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्यों की सबसे ऊंची अदालत होती है। उच्च न्यायालयों से ऊपर आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो आपकी नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। मेरा मानना है कि ये बुक्स हर किसी को पढ़ना चाहिए। अगर इंडिया में आप रह रहे हो भारत, तो आपको इस तरह के सभी कानून मालूम होना चाहिए अपनी अदालतों के बारे में। तो ये किसी एक
वर्क के लिए नहीं है बुक्स पुस्तक। अगर तुम इंडिया में रह रहे हो, तुम कितनी उम्र है इससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें ये सभी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो भी बुक्स हैं आपको मतलब ज्ञान ही देंगे। उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में की गई थी। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थी। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ था। आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। दूसरी तरफ चार पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश अमरावती और तेलंगाना हैदराबाद में अलग अलग न्यायालय उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, ठीक है बना इनके लिए। न्यायालय जैनों से ज़्यादा लोग नज़दीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में खंडपीठ ब्रांच भी होती है। जिस तरह आपने सुना होगा एमपी में आपका इंदौर में है और ग्वालियर में है खंडपीठ, मेन है इसका जबलपुर में, उसके बाद खंडपीठ इसकी। यूपी में आपने लखनऊ में सुना होगा मद्रास उच्च न्यायालय। क्या विभिन्न स्तरों की यह अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? जी हाँ, भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानने होते हैं। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है, तो वह उससे ऊपर की ओर की अदालतों में अपील कर सकता है। अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे पर विचार करें। यह राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा है, जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया। 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया था। वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे, जहां लक्ष्मण के भाई उसके परिवार भी रह रहे थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई, वह जली हुई थी। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया, तो चार पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया। पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए भी बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे थे। वहां उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी से आग की लपटें उठ रही थी। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपट कर आग बुझाई। सुधा ने उन्हें बताया कि उसकी सास संकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था, लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट करते थे। उनकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रेज दिया जाए। अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी मां ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी, तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद को दोषी करार दिया। तीनों की को मौत की सजा सुनाई गई। 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। दोनों तरफ के वकीलों के तरफ सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, संकुतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। शायद आपको कक्षा 7वीं की किताब में महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध याद होगा। उसमें आपने पढ़ा था कि 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठा रही थी। उन्हें इस बात पर दुख था कि अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही हैं। उच्च न्यायालय के उपयुक्त फैसले ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफी परेशान कर दिया। उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर की। यह अपील इंडियन फेडरेशन
और वो वीमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी माँ भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। वकील के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी माँ को दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अधीनस्थ अदालतों को कई अलग अलग नामों से भी संबोधित किया जाता है, याद रखिए। इसे क्या कहते हैं? ट्रायल कोर्ट, जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायालय, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से पुकारा जाता है। बात करते हैं विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं। दहेज हत्या का यह मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। यह आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फर्क को समझने के लिए नीचे दी गई तालिका को देखें। फौजदारी कानून आपके और दीवानी। फौजदारी ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना जाता है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या करना। और दीवानी कानून में इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीजों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि संबंधित। फौजदारी में इसमें सबसे अधिक आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिक दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। दीवानी कानून में प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। फिर है फौजदारी। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है, उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दीवानी कानून में अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। अब बात करते हैं आगे, क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? मतलब हर व्यक्ति क्या अदालत तक पहुंच सकता है? सिद्धांत, भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है कि न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफी मुश्किल साबित होता है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफी पैसा हो कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता है, उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूर से चलता है, मजदूरी से चलता है, तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। जैसा कि आपने सुना होगा, किसी नेता या बड़ा आदमी पर किसी पर केस हो तो उसका 6 महीने 1 साल बहुत से बहुत फैसला हो जाता है। और एक तरफ जो गरीबी का तबका है, नीचे तबके से, उसके केस के लिए सालों गुजर जाते हैं। आपने सुना होगा, कुछ दिनों पहले न्यूज में रहा कि एक औरत के साथ बलात्कार हुआ। जब उसका केस का निपटारा हुआ तब उसे मरे हुए 10 साल बीत चुके थे। समझ में आया कि जब उसके फैसले का निपटारा हुआ तब वो मर चुकी थी। 10 साल पहले, उससे 10 साल पहले मर चुकी थी। किसी व्यक्ति पर केस हुआ, जो भी केस हो, अभी कुछ ही दिन न्यूज पहले न्यूज़पेपर में आया था कि उसने अपनी सजा, मतलब सजा से 20 से 25 साल निकाल दी, सजा काट ली। उसके बाद उससे बोल दिया गया कि तुम बरी हो, तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया या कोई भी सजा के लायक नहीं थे। अब बताइए,
20 साल 25 साल अपनी जिंदगी के खोने के बाद तुम उससे बोल दो कि तुम बरी हो, तुम निर्दोष हो, क्या बीतती होगी। आगे बात करते हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका यानी कि PIL की व्यवस्था विकसित की थी। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास की। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायालय ने कानूनी क्रिया को बेहद सरल बना दिया। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने, बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का ही इस्तेमाल किया गया था। क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन मिड डे मील दिया जाता है। इसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। दाई ओर दिए गए चित्र को देखिए, ये आपका मिड डे मील ही चल रहा है। चित्र एक कहाँ है, ये आपका चित्र एक, ये चित्र दो हो गए और ये चित्र तीन, ये चित्र चार। चित्र एक, वर्ष 2001 में राजस्थान उड़ीसा में पड़े सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी अभाव हो गया। दूसरा चित्र, सरकारी गोदामों में अनाज से भरे पड़े थे, बहुत सारा गेहूं चूहों को की भेंट चढ़ रहा था अनाज। चित्र तीन, इस स्थिति को देखते हुए पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल है। राज्य की इस दलील को भी गलत साबित कर दिया गया कि उसके पास संसाधन नहीं है। इसका आधार यह था कि सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए थे। तब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। चित्र चार, लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह नगर नए रोजगार पैदा करे, राशन की सरकारी दुकानों के जरिए सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराए और बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए। न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए दो खाद्य आयुक्तों को भी नियुक्त किया। आगे बात करते हैं, आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती हैं। जैसा कि आपने उपयुक्त उदाहरण में देखा है कि अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल रहता है। इसलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना, मिड डे मील सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी हैं रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदार मानते हैं। उदाहरण के लिए गरीब के आवास अधिकार जैसे मुद्दे पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियों झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध हैं। हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है, जबकि पहले वाले फैसले जैसे 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर के मुकदमे दिया गया फैसला, ये झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती हैं। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह कहा जाता है, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कतल। ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया
इस फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। नीचे इस फैसले के कुछ अंश दिए गए हैं। इन्हें पढ़ने पर पता चलता है कि न्यायाधीशों के जीवन के अधिकार को आजीविका के अधिकार से किस तरह जोड़ कर देखा। अनुच्छेद 21 द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है। जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने की से कहीं ज्यादा होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्यु दंड देने उसे लागू करने के अलावा किसी तरीके से किसी की जान नहीं ले जा सकते। जीवन के अधिकार का यह एक आयाम है। इस अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी कि आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता है। किसी व्यक्ति को पटरी या झुग्गी बस्ती से उजाड़ देने पर उसके आजीविका के साधन फौरन नष्ट हो जाते हैं। यह एक ऐसी बात है जिसे हर मामले में साबित करने की जरूरत नहीं है। प्रस्तुत मामले में अनुभवी साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि याचिकाकर्ता झुग्गियों और पट्टियों पर रहते हैं, क्योंकि वे शहर में छोटे मोटे काम धंधों में लगे होते हैं और उनके पास रहने की कोई और जगह नहीं होती। वे अपने काम करने की जगह के आसपास किसी पटरी पे या झुग्गियों में रहने लगते हैं। इसलिए अगर उन्हें पटरी या झुग्गियों से हटा दिया जाए तो उनका रोजगार ही खत्म हो जाएगा। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि याचिकाकर्ता को उजाड़ने के से भी अपने आजीविका से हाथ धो बैठेंगे, इस प्रकार जीवन से भी वंचित हो जाएंगे। इस चित्र में आप लोग देख रहे होंगे 22 मई 1987 को मारे गए हाशिमपुरा के 43 मुसलमानों के कुछ परिजन दिखाई दे रहे हैं। ये परिवार पिछले 31 साल से न्याय के लिए संघर्ष कर किए थे। मुकदमा शुरू होने में जो इतना विलंब हुआ उसके कारण सितंबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। इसमें प्रोविंशियल आर्म कॉन्स्टेबलरी PAC के 19 लोगों पर हत्या और अन्य आपराधिक मामलों के आरोप में मुकदमे चलाए थे। इस मुकदमे में 2007 तक केवल 3 गवाहों के बयान दर्ज की गए। अंत में 31 अक्टूबर 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराया। ये आपकी 24 मई 2007 को प्रेस क्लब लखनऊ में लिया गया फोटो। ठीक है, इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और न्यायपाल नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो। यह हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू ही है। ये आपके कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चन दिए गए, आप लोग लगा सकते हैं। PDF आपकी डाल दी गई है टेलीग्राम पर, वहां से डाउनलोड कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो, अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो बेहतर रहेगा आपके लिए। क्या होगा, बेहतर होगा। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं भी देख लेते हैं। बरी करना, जब अदालत किसी व्यक्ति को उन आरोपों से मुक्त कर देती है जिनके आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था तो उसे क्या कहते हैं, बरी कहना कहते हैं। अपील करना, निचली अदालतों के फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष पर उस पर पुनर्विचार के लिए ऊपरी न्यायालय में जाता है तो उसे अपील करना कहा जाता है। मुआवजा, किसी नुकसान या क्षति की भरपाई के लिए दिए जाने वाले पैसे को मुआवजा कहा जाता है। बेदखली, अभी लोग जिस जमीन मकानों में रह रहे हैं यदि उन्हें वहां से हटा दिया जाए तो उसे बेदखली कहा जाता है। उल्लंघन, किसी कानून को तोड़ने या मौलिक अधिकारों के हनन की क्रिया को उल्लंघन कहा जाता है। तो ये था आपका 5वां चैप्टर। 6वें चैप्टर में हम लोग बात करेंगे हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में। ठीक।